हेलो दोस्तों, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है GTA 5 के एक और नए एपिसोड में, जहां पर हम लोग आज इसके 11th नंबर के मिशन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो माइकल यहां पर खड़ा है और अपनी जो ऑडी है वो भी यहीं पर खड़ी होगी, वो रही। तो ऑडी को लेते हैं और माइकल के घर पे चलते हैं, वहां से कोई एक नए दिन की स्टार्टिंग करते हैं एक नए मिशन के साथ में। तो अभी हम देखते हैं कि क्या कुछ मैसेज या फिर ईमेल्स आए हैं। मैसेज बहुत सारे आए हैं, लेस्टर के मैसेज आए हुए हैं और भी देखते हैं किस किस के मैसेज हैं। मार्टिन के भी मैसेज आया हुआ है, अमांदा, एक और मैसेज हमने छोड़ दिया है अमांदा का। ये तो मैसेज हमने देख लिए, ईमेल्स भी देख लेते हैं और साथ में ड्राइविंग करते जाते हैं धीरे धीरे। ये तो उसी का था। अरे सॉरी भाई, तुझे मारा नहीं है। चलो कॉफी गिर गई, नहीं ले लेना। अभी हम ऑडी में है भाई, ऑडी चला रहे हैं, थोड़ा बहुत तो हो जाता है इधर उधर। थोड़ी सी गन्स वगैरह भी मिल रही है लेकिन अभी हम इग्नोर करते हैं। चलो इसको हम रिप्लाई दे देते हैं। रिप्लाई हमने दे दिया है, मोबाइल का काम ख़त्म। और अभी हमें चलो एक बंदे को शायद हेल्प चाहिए थी इधर। कौन था ज़रूरतमंद इंसान, पता नहीं किसको ज़रूरत थी, लेकिन मैंने अगर देखा होता ना सही से पहले थोड़ा, तो हम उसकी हेल्प ज़रूर करते। तो अभी हम लोग ऑडी को लेते हैं, निकलते हैं जल्दी से, अपने घर पे पहुंचते हैं, मिशन को जल्दी जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद देखा जाएगा जो कुछ भी होता है। तो ऑडी के बारे में मैंने आपको बहुत ज़्यादा इसके बखान कर दिए हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, हैंडलिंग भाई साहब, ऑडी तो ऑडी है, हर एक जो सेडान होती है ना उसकी हैंडलिंग बहुत ही अच्छी होती है, कम ग्राउंड क्लियरेंस के कारण। एरोडायनामिक इसका डिज़ाइन होता है ना, इसके कारण ये बहुत ही चिपक के चलती है ज़मीन से। लेकिन वही ये थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस का इशू बन जाता है कि कभी अगर SUV टाइप कोई ऑफ रोडिंग वगैरह करनी होती है तो ये गाड़ियाँ कामयाब नहीं होती है, नीचे से बहुत जल्दी से टच हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं अपने घर पे, ऑडी को हम लोग घर के अंदर पार्क कर देंगे यहाँ पर। तो इसको हमने यहाँ पर रोक दिया है छाँव के अंदर और हम लोग अभी अंदर चलते हैं, मिशन को करते हैं स्टार्ट। इसके बाद देखते हैं क्या कुछ करते हैं हम लोग। तो एकदम बढ़िया अंदाज में माइकल ने घर के अंदर एंट्री की है और कुछ बातचीत चल रही है, वो शायद योगा करने जा रही है फिर से। और माइकल यहाँ पर थोड़ा सा ड्रिंक वगैरह कर रहा है और फ्रैंकलिन भी यहाँ पर आ चुका है। चलो दोस्त आ चुका है तो एक पैग तो बनता है। Lester's offloading the gems. He knows a guy. Get us 50 cents on the dollar. Hell, we might actually have a little spending money left after we pay off that psychotic Mexican motherfucker. Whew, cheers. So that's that, right? I hope so. The whole job. Everything about it. Anyone who knows your file, what is wrong with you? Davey! Long time no see. And what about Trevor? If that fruitcake realizes, no, finds out you're alive, तो इस बार ये बंदा ट्रेवर का भी जिक्र कर रहा है। बहुत दिन हो चुके हैं, फर्स्ट मिशन जो था उसके अंदर हमें ट्रेवर मिला था, लेकिन अभी तक ट्रेवर हमें देखने को नहीं मिला है। उसका जीपड़ा मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो यहाँ पर कोई न्यूज चल रही है, देखते हैं क्या चल रहा है। ज्वेलरी हाइस्ट, अच्छा ये हमने जो चोरी की थी वही वाला सीन चल रहा है यहाँ पर। हमें कोई लेना देना नहीं है। वो भाई 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 ट्रेवर क्या कर रहा है भाई, मैं ये चीज़ ब्लर कर दूंगा दोस्तों, सॉरी, क्योंकि ये मैं थोड़ा सा फैमिली फ्रेंडली चैनल बनाना चाहता हूँ, इसलिए इन सीन्स को मैं थोड़ा सा ब्लर कर दूंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। Trevor, baby, you wanna smoke up now? Don't do it, Johnny. Don't do it. Trevor. तो दोस्तों अभी वो सीन एंड हो चुके हैं और यहाँ पर कुछ गुंडे आ गए हैं या फिर इसके दोस्त हैं, मुझे नहीं पता है। एक बियर की बोतल लेके ट्रेवर यहाँ पर आ चुका है बाहर। अब देखते हैं क्या एक्शन वगैरह कुछ होता है।
और वो भी बाहर आ चुकी है, पता नहीं कौन है ये। I ain't leaving nothing. Trevor, I'm talking to you, motherfucker. Are you? What are you saying? Fucking my girl, man. It's wrong. Well, I gotta fuck someone. You want me to fuck you instead? Is that the problem here? Take off your pants, cowboy. All right, let's fuck. You think this is funny? Get them off! I told him to leave it, Trevor. I told him. Leave it. Leave it. Shut up, Ron. I'm about to fuck me a meth head, ain't I, cowboy? ट्रेवर ना एकदम अलग अंदाज वाले इंसान है। कब क्या कर दे इसको खुद को नहीं पता होता है, एकदम से ये डिसीजन लेता है कुछ भी। अभी इसको धीरे धीरे समझा रहा है, आहिस्ते आहिस्ते अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। वो भाई भाई मैंने कहा था ना, इसका मूड है ना एकदम से चेंज हो जाता है। उसको तो मार दिया इसने, पहले बोतल मारी, इसके बाद लाते मार के इसका सर फोड़ दिया है। Next time, don't get in my fucking face. I just saw a fucking ghost and I gotta hear your crap. Get up. Get up. Fuck you then. तो अभी ट्रेवर चला गया है वापस और इसको मार के। Fuck. तो अभी हम लोग अपने जीपड़े में जाते हैं, get in the truck. ट्रक तो क्या है, इसको हम जीपड़ा बोलते हैं। तो ये तीनों शायद ये दोनों अपने दोस्त हैं, यार बेली। तो हम थ्री इडियट्स निकलते हैं। अरे चढ़ जा, ये लग्जरी गाड़ी नहीं है, इसका अलग ही स्वैग है। तो हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। यहीं से निकल जाते हैं हम लोग और देखते हैं कि इसकी हाई स्पीड क्या है इस गाड़ी की। अरे भाई भाई, इसका जीपड़ा चलाने में ना एक अलग ही मजा है, एकदम बोनट पूरा दिख जाता है। तो अभी इसका जो जीपड़ा, एक बार देखते हैं इसकी हाई स्पीड क्या होती है। 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक तो ये आराम से निकल जाता है, उससे आगे भी चला जा रहा है। अभी यार हमें यहाँ पर घूमना है, एक बार फिर से चेक करते हैं। अभी यही रोड है बहुत दूर तक, अच्छे खासे टर्न्स भी हैं इसमें, कुछ गाड़ियां भी आ रही है सामने से, सिंगल लेन रोड है। थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होने वाली है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, चलाने में कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब 130 तक तो यह आराम से चल जा रही है, इसके बाद में हम अभी हाई स्पीड चेक कर तो रहे हैं। अरे भाई 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 भाई, भिड़ा दी भाई। बिल्ड क्वालिटी देख रहे हो इस गाड़ी की। ड्राइवर का तो भाई साहब अलग स्वैग है, आगे दो चंदा मामा। अरे भाई यहाँ पर घूमना है हमें, तो यहाँ से हम लोग आ चुके हैं इस प्लेस पर। देखते हैं यहाँ पर कुछ बाइक्स खड़ी है। Hey, you seen Ashley? Johnny's looking for. You know, as a matter of fact, I just did, just 10 minutes ago. Yeah, I saw her on the end of this penis here. Oh, bhai, bhai. Kaisa ishaare karta hai be driver bhai? Driver kam aata hai mission mein lekin ekdam apna andaaz alag hi hai. No, you don't mind? Oh, because you're a dead man and the only sentient part of you left is this little bit of brain. Ye chida raha hai inko. Denial. That is first part of the grieving process, brothers. Now let's all hold hands, huh? Oh, looks like you got something you want to say. अभी देखते हैं आगे क्या होता है। वो बंदा वैन में भाग रहा है, ये अपनी कोस्ट कूपर, वेस्ट कोस्ट कूपर में भाग रहे हैं और हम लोग चलते हैं अपने जीपड़े में, इनको पकड़ते हैं। ये जा रहे हैं, इनको अब मारना है या फिर क्या करना है सही से पता नहीं है। एक बार ऐसा करते हैं, इनको गाड़ियों से गिरा देते हैं, एकदम जबरदस्त इनको भचीड़ा देते हैं। यार ऐसी जगह पे तो ये जीपड़ा कामयाब है,
इनकी वैन भी यार अच्छी खासी भाग रही है, लेकिन अपना जो स्टेबल बहुत है। इसको मार दें क्या? अरे भाई, अरे तू चढ़ जा। अरे वो निकल जाएंगे बे, जल्दी चढ़, जल्दी चढ़, चढ़ 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 चढ़। अरे भाई वो बहुत दूर चले गए होंगे। वो उधर जा रहे हैं, अभी दिख रहे हैं मेरे को। अरे भाई इस जीपड़े का असली मजा ऐसे है। अभी 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 पकड़ता हूँ उनको। अभी तो थोड़ा सा जजमेंट नहीं हो पाया यार। ऐसे जो एकदम शार्प टर्न्स आते हैं ना, यहाँ पर बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि ये गाड़ी तो स्लिप होती हुई चली जाती है। टायर स्किड करने ही है ऐसी गाड़ी के, आप भी समझ सकते हो यार इसमें कहाँ पर ट्रैक्शन बनेगा। वो लोग ना, उनकी स्पीड बहुत कम है, हम लोग तो दबा के जा रहे हैं एकदम। एक तो मरा, मतलब मारने से इनको कुछ भी नहीं होता है। मतलब मैंने सोचा था कि मिशन एंड हो जाएगा या फिर वो सब, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इनको मारते हैं, एक ये गया। अरे भाई एक ये जो आ जाता है ना बीच में, ये सारा मूड खराब कर देते हैं। अब इसको गोलियों से है ना छील डालूंगा पूरा गाड़ी को। मैं कोशिश करूँ इनकी पूरी गाड़ी को ही उड़ा दूँ। अगर ड्राइवर को लग जाए ना एक, फिर तो गाड़ी चलाने वाला ही कोई नहीं होगा। अरे भाई अपनी गोलियां खत्म हो गई। यही प्रॉब्लम थी, इसको यहाँ पर पहुंचने नहीं देना था। अब जो भी बाइकर्स हैं ना उनको हमें मारना है। अपने पास ये गन ले लेते हैं, अच्छी सी पंप शॉट गन जो कि हमने वहां पर ली थी। एक तो ना इसका जो दिखता ही नहीं है टारगेट। हम लोग आगे जाते हैं, दो जने तो अपने पास बंदे हैं भाई, वो भी हैंडल कर सकते हैं बहुत कुछ। ओ भाई इसको भी मारा, एक एक इधर से आ रहा है। अभी हम थोड़े से इधर चलते हैं, थोड़ा सा यार खुद का भी बचाव करना जरूरी है। अभी एक जना यहाँ से आएगा। यार उधर तो पूरी की पूरी गाड़ी लेके चला गया है बंदा। अभी तेरा गेम बजाता हूँ, कहाँ गया? फोड़ दिया गया उसको। और है कोई शेर जो मुझसे लड़े? तो अभी हम लोग यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं कौन कौन यहाँ पर अभी तक बचे हुए हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ और थोड़ी सी हेल्थ मिलते हुए, यार कोई दिख ही नहीं रहा। Understand
hide your pain, friends! I'm here to offer a way out! वो लोग उधर है, हम लोग इस तरफ से जाके उनको ठोक डालेंगे। एक बंदा इधर है, अपने बंदों को कुछ नहीं होना चाहिए, और कुछ नहीं बस। This is hard for me too. I've had to kill half the tweakers in the county. Fucking die. Now, who have I? चलो एक को तो वो लोग भी संभाल सकते हैं। हम लोग यहाँ से कहाँ चले हैं? उनको खत्म करते हैं जो सबसे लास्ट में है। इनको आप इनके घर के अंदर घुस के मारेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे हम लोग। इस तरफ है If that trailer's got some combustible shit in it, I'd steer clear, okay? Now, who have I left out? I'm gonna take him out for fuck's sake! Pamela's down! He's hurt! हमने इनका इनके घर के अंदर जाके मार दिया है। और एक बंदा यार यहाँ पे भी है लेकिन दिख नहीं रहा। ओके, इसका भी खात्मा कर दिया हमने। इस तरफ से जाते हैं, ठग डालते हैं सभी को। छत पे चढ़ जाएं क्या? अरे भाई कहाँ गई गन? भाई इसकी रेंज थोड़ी सी कम है, इसको लेते हैं। अच्छे से खड़ा है, कोई दिख ही नहीं रहा है भाई। रिटर्न चलना है अपने ट्रक के पास में, इनको अभी छोड़ते हैं। कोई काका ना मिल जाए अभी। Thanks for all your help there, fellas. Now get back in the truck. तो दोस्तों यहाँ से हम लोग इतनी तक तो सक्सेसफुली आ गए हैं। अब इसके क्या हो गया? तो क्यों कूदता है? शायद वो इसकी जगह है। तो चलो हम लोग चलते हैं उसको छोड़ के। तो अभी इसका जीपड़ा हम लेके चलते हैं। इसका कांच तोड़ दिया हमने, विंडशील्ड। Nervous, Ron. He'll be fine with the takeover. Takeover? Trevor, we don't need to. Now the bikers are gone. तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा एक टर्न लेने वाले हैं, इसके बाद में चलते हैं जहाँ पर अपनी डेस्टिनेशन हो। तो ये हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पर। एकदम गजब का हमने यहाँ पर। You are fucking nuts. एकदम गजब का हमने यहाँ पर एक ब्रेक लिया है। इसके बाद हमें उस वो जो गाड़ी है उसको एक बार गिराना है। यहाँ से हम थोड़ा सा गजब की स्पीड में जाएंगे। और यार आपको ट्रेवर के जीपड़े का पावर तो पता ही है।
तो यहां से भाई साहब हमने कर दिए ब्रेक। अरे भाई कूद गया, बस इतनी थी, हकड़ी निकल गई सारी। What the fuck, Trevor? This is the fuck, my soggy friend. You are out of business. The Lost MC are out of business. The guns and crank in this area go through Trevor Phillips Enterprise, or they ain't going. Saying something don't make it true. I always let you operate. तो दोस्तों इसको गिरा देते हैं पानी के अंदर। इसको हमने मार दिया है और अभी हम अपने ट्रक के अंदर चलते हैं। अब आप बताओ घुमाएं या फिर रिवर्स में लेके जाएं? रिवर्स का तो अलग ही मजा है भाई। I don't know what these naysayers are talking about. Look at me. I'm cranked on speed most of the time, but I'm productivity personified. You sure achieved a lot today. वाह भाई, तो अभी हम लोग चलते हैं अपने घर पे चलते हैं या फिर देखते हैं कहीं पर और भी चलना होगा तो चल देंगे। तो अभी अपना जो ट्रक है वो भी एकदम अच्छे से चल रहा है, इसमें कोई भी खराबी नहीं है। टूट फूट भले हो जाए लेकिन इसका मेंटेनेंस ना एकदम जीरो होता है। तो अभी अपनी स्पीड तो इतनी ज्यादा नहीं है। दोस्तों मजा आ रहा है या फिर नहीं? 130 के बाद ना ये गियर ही नहीं मान रही गाड़ी। चलो 130 भी कम थोड़ी होती है, इसके खुद के कांटे में तो ये अभी तक 80 में चल रही है और मुझे लग भी रहा है कि ये 80 ही है। भाई इसका बॉडी रोल एकदम मस्त मजे वाला है। अभी यहाँ पर एकदम से शार्प टर्न है, मैंने सोचा ये भी टूटेगा लेकिन तोड़ नहीं पाए उसको। लेकिन यार एक बार ना आप इसकी बिल्ड क्वालिटी देखो भाई साहब, गाड़ी को हमने इतना तोड़ा फोड़ा लेकिन इसमें कोई इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं लिया। तगड़ी बिल्ड क्वालिटी है इसकी। आगे से ही वहां पर घुमा लेंगे यार, यहाँ पर घुमाने का कोई चांस बनता नहीं है, अच्छी खासी स्पीड बन जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग पहुंच चुके हैं, यहाँ पर अपनी गाड़ी को हम रोकते हैं। अब उसको हमने उतार दिया है, हम लोग भी घर आ चुके हैं। अरे भाई वो कहाँ जा रहा है? दिस इज द ट्रेवर्स सेफ हाउस। तो यहाँ पर हमने गाड़ी खड़ी कर दी है, ये अपना बेड है, पौवा तो अपने पास ही होता है, अपने कुछ ड्रेसेस से, छोटी सी टीवी है, छोटा सा पंखा। यार और जिंदगी में क्या चाहिए, ऐश की जिंदगी जी रहे हैं और क्या। तो अभी हम लोग घर से बाहर आ चुके हैं, लेकिन एक बार ऐसा करते हैं मिशन को यहाँ पर सेव कर देते हैं। ये वाला मिशन तो कंप्लीट हो चुका है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसका चलो अभी कॉल को काटते हैं और सेव कर देते हैं मिशन को, सो जाते हैं अभी। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा लेट हो जाता तो आप भी खाना वगैरह खा के सो जाना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।